क्या आप फ्री पढ़ना चाहते हैं तो मार्केट से बुक खरीदिए और पढ़ लीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। साले का खोपड़ी तोड़। लेकिन 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 क्या आप माथुरिया क्लासेस में फ्री पढ़ सकते हैं क्या? अब इसका जवाब भी हम कैसे दे, हमारी कोचिंग थोड़ी है। लेकिन ये कोचिंग डायरेक्टर सर का तो है ना, माथुरिया सर का तो है ना, तो वो तो बता सकते ना। तो चलिए उनसे पूछते हैं कि आप इस कोचिंग के अंदर फ्री पढ़ सकते हैं या नहीं। रुकिए, लेकिन अंदर जाने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि आज आपको इस वीडियो के अंदर माथुरिया क्लासेस की ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें पता चलेगी जो कि यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भी नहीं पता। यहाँ पर SSC, CET, रेलवे और भी बहुत से एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है, उनके बारे में हमें खुद को नहीं पता, तो ये भी कोचिंग के अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा आपको भी। कोचिंग की इन्फॉर्मेशन बताने से पहले आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि इस कोचिंग के अंदर बाउंसर भी है। तो आज सबसे पहले जाकर कोचिंग में यही पता करेंगे कि कोचिंग के अंदर बाउंसर की नीड क्यों पड़ी। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. अब सर आपको बताएंगे कि कोचिंग के अंदर बाउंसर की नीड क्यों पड़ी। तो सर जी सर, क्योंकि देखो हम चाहते हैं कि हमारी जो कोचिंग संस्था है इसमें कोई प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए स्टूडेंट को। जैसे कि हमें डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए हमें बाउंसर की जरूरत पड़ी, क्योंकि कोई बच्चा बाहर से आ रहा है, कोई गर्ल्स बाहर के आ रहे हैं जो उनके माँ बाप हमारे भरोसे उनको यहाँ छोड़ते हैं, तो हमें कोई दिक्कत ना आए इसलिए हमने राम विनोद शर्मा हमारे यहाँ पे बाउंसर है जो बहुत नाइस है, गुड लुकिंग है और वो स्टूडेंटों से अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे उनको लेके उनकी वजह से डिसिप्लिन रहता है पूरा, कोई दिक्कत नहीं आती क्लासरूम के अंदर। तो अभी हमारे साथ कोचिंग के टीचर अभी डायरेक्टर सर अवेलेबल नहीं है, तो अभी इनसे ही क्वेश्चन करते हैं, यही आपको कोचिंग के सारे इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे और कोचिंग के बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम पवन शर्मा है और मैं यहाँ जीके की फैकल्टी हूँ। कोचिंग जो है माथुरिया क्लासेस वो जनरली 2011 से एस्टेब्लिश है और अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से मतलब कोचिंग अलग अलग स्थानांतरित हुई है, ट्रांसफर हुई है। अभी वर्तमान में हम अगस्त से यहाँ पर कोचिंग में यहाँ पर गोपालवर बाईपास पर स्थित है, जो तमाम प्रकार के जो कोर्सेज है, जो सेंट्रल लेवल पर SSC के कुछ कोर्स है आपके, इसके अलावा रेलवे का जो कोर्स है, इसके अलावा राजस्थान के जो तमाम जो CET का एग्जाम्स होता है जो वैश्विक के स्तर पर होता है, उसके बाद 10th-12th के स्तर पर होता है, वो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं हम यहाँ पे। तो अभी हमारे साथ है माथुरिया क्लासेस के मैनेजिंग डायरेक्टर। अब सर आपको कोचिंग की जो भी कोर्सेज कराए जाते हैं उनकी फीस के बारे में बताएंगे, तो सर प्लीज। जी सर, जैसे कि हमारा एक SSC का बैच चलता है, तो SSC की जो हमारी नॉर्मल फीस है वो 18,000 रुपए रहती है। बाकी जो जैसे स्टूडेंट होते हैं, कई बार कोई ग्रामीण परिवेश से बच्चा आता है तो हम उसके अकॉर्डिंग वो देख के कर लेते हैं। बाकी हमारा एक सेकेंड ग्रेड का बैच स्टार्ट हुआ है जिसका टाइमिंग है 5-7, उसकी अभी जो फीस है 17,000 रुपए है, लेकिन अभी हमने 2,000 रुपए का डिस्काउंट देके अभी जो वर्तमान जो बैच चल रहा है सेकंड बैच, इसके लिए 15,000 रुपए का रखिए। एक जो बैच है हमारा रेलवे का है सर, उसकी जो प्री प्लस मेंस दोनों का हम साथ में चलाते हैं, अगर बच्चा प्री की करना चाहता है तो उसकी फीस है 14,000 रुपए, उसको जैसे कैश पेमेंट वन टाइम जमा करवाता है तो 13,000 रुपए, 1,000 रुपए का हम उसको डिस्काउंट देते हैं, और प्री प्लस मेंस दोनों की साथ में लेता है तो उसकी फीस है 18,000 रुपए, उसमें भी हम 1,000 रुपए का डिस्काउंट करते हैं। बाकी जो बच्चा BPL वगैरह होता है तो उसमें हम अलग से डिस्काउंट देते हैं। और सर आपकी कोचिंग में क्या कोई फ्री पढ़ सकता है क्या? सर जैसे कि हमारे सर हैं माथुरिया सर, उनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो विकलांग होते हैं और जो विधवा महिलाएं होती है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, 1 रुपए चार्ज भी नहीं लेते। और बच्चों के लिए सबसे बेस्ट प्रक्रिया होती है यह, हमारे यहाँ पे डेमो क्लासेस है होती है, 3 दिन डेमो क्लासेस होती है, और 3 दिन जो डेमो क्लासेस होती है उन डेमो क्लासेस में बच्चा यहाँ पे आए, अपना 500-1,000 रुपये जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो यहाँ पर आपको जमा करानी होगी, वहाँ पर डेमो ले सकता है, लेकिन यहाँ पर जो शुल्क होगा वो रिफंडेबल नहीं हो पाएगा आपको। सर वो रिफंडेबल ना होने का रीजन? इसका रीजन है कि जो सीरियस बच्चा है वो यहाँ पे आए, कई बार क्या होता है कि ऐसे ही बच्चे अपने ही घूमते फिरते रहते हैं, और क्या होता है कि बच्चा जब भटकाव की स्थिति में आता है कोई इसको गुमराह नहीं कर पाए। मैं माथुरिया क्लासेस की रिसेप्शनिस्ट हूँ, मेरा नाम सपना सैनी है। हमारे यहाँ फैसिलिटीज में बुक्स, बैग, स्टडी मटेरियल जितना भी वो प्रोवाइड कराया जाता है, उसके साथ साथ हम सेफ्टी के लिए एक बाउंसर हैं जो उनका नाम विनोद शर्मा जी है, उनको रखते हैं हम। ओके सर, तो आप अब कोचिंग के सिलेक्शन के बारे में बताइए, लाइक एक क्लास पे कितने स्टूडेंट्स के सिलेक्शन होते हैं? देखिए कोचिंग में हमारा ये कैपेसिटी रहता है कि एक क्लास में 100 बच्चे तो रहे, और 100 बजे हम ज्यादा नहीं कर पाते क्योंकि भीड़ के अंदर बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, फिर माइक की आवाज, फिर वो डिस्टरबेंस होती है, तब सभी तरह के बच्चे आते हैं। हम चाहते हैं कि जो हम जो अपना जो टारगेट है फुलफिल कर पाए, इसलिए हमारे 100 बच्चों में से टारगेट लगभग रहता है कि हम लगभग 60-70 बच्चों तक हम सिलेक्शन दे पाए, और हमारे टारगेट कई बार पूरा भी हुआ है इस प्रकार से। और ऑन एन एवरेज कितने बच्चों का होता है?
लमसम लमसम 50-60 बच्चों को सिलेक्शन होता ही होता है एक क्लासरूम से। तो अभी आपको बताते हैं यहाँ माथुरिया क्लासेस की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के बारे में, तो सर प्लीज। जी सर, हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन है माथुरिया क्लासेस के नाम से, जिसपे हमारे सारे कोर्स अवेलेबल है, नाम मात्र के शुल्क पे अवेलेबल है। और हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं जो यहाँ एडमिशन लेते हैं, तो उनको हम ऑनलाइन फ्री देते हैं, जो एक नाम मात्र का शुल्क होता है। और उससे बच्चे को फायदा ये होता है कि वो ऑफलाइन क्लास में कोई दिन कोई इमरजेंसी काम होता है तो वो नहीं आ पाता, तो वो सेम क्लास वो घर बैठे भी ले सकता है, तो उसको दोनों फायदे हो जाते हैं, ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन निःशुल्क मिलता है। तो इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है माथुरिया क्लासेज के नाम से, इसी नाम से हमारे फेसबुक पेज है, इंस्टा वगैरह सभी इसी नाम से है। और सर जैसे कि आप यहाँ पे एक टीचर फैकल्टी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो आप यहाँ की जो अदर टीचर फैकल्टी है उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हमारे टीचर जो यहाँ पे माथुरिया क्लासेस में जो फैकल्टीज है सबसे बेस्ट क्लास है ओके फैकल्टीज है। यहाँ पर तमाम जो रीजनिंग के टीचर्स है, जो हर्ष कुंडारा सर है, अविनाश चौधरी है, वो खुद बीटेक है, MBA है, आई मीन हाईली प्रोफेशनली आपके क्या नाम एजुकेटेड है। इसके अलावा माथुरिया क्लासेस जो माथुरिया सर है उनकी खुद की बुक चलती है, ये आपके माथुरिया क्लास की लगभग ये बुक है जो मोटी सारी बुक है, लगभग 10 सालों तक मार्केट में राज कर रही है, इसको कोई अभी तक कोई किताब को बीट नहीं कर पाया अभी तक। और सर ये जो भी बुक्स है ये जो कोचिंग में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको आप फ्री में देते हैं या इनके चार्जेस लेते हैं? वो डिपेंड करता है कि अगर बच्चा सीरियस है तो हमको उसको फ्री में प्रोवाइड कराते हैं, और अगर लगता है कि बच्चा एक्स्ट्रा लेके जा रहा है तो हम उसको चार्ज करते हैं इस प्रकार से। और जो जैसे मार्केट में अवेलेबल है आपकी बुक्स? मार्केट बिल्कुल अवेलेबल है, पूरा राजस्थान है, इसके अलावा 9 स्टेट में भी ये मिल जाएगी आपको। और कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए सर ने बुक पब्लिश कर रखी है? रीजनिंग के लिए भी कर रखी है और मैथ के लिए तो सर ने जो माथुरिया सर है वो इसके लिए। अभी जो नई बुक आई है माथुरिया सर की वो साइंस की बुक आई है, बहुत शानदार बुक आई है, और काफी लगभग आप मान के चले गए जितनी भी NCERTs है उनका कंक्लूजन है। दूसरी बात है जो मार्केट में जो साइंस की अदर बुक्स आ रही है उनसे काफी ज्यादा बेहतर इसमें कंटेंट मिलेगा आपको। अभी हम आ गए माथुरिया क्लासेस के अंदर, उनके क्लासरूम के अंदर है। अब कुछ स्टूडेंट्स का रिव्यू लेंगे कोचिंग के बारे में, वो क्या सोचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताइए कोचिंग के अंदर क्या स्पेशल है? और कोचिंग में सब कुछ फैसिलिटी है, मतलब की बुक की फैसिलिटी है, लंच की फैसिलिटी है, और ऑफलाइन क्लास की फैसिलिटी, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हैं। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन फ्री पढ़ाते हैं क्या? ऑनलाइन का चार्ज लेते हैं पर बहुत कम लेते हैं, जैसे 2-3% चार्जेस लेते हैं। ओके, टीचर फैकल्टी कैसी है? वहाँ की टीचर फैकल्टी बहुत अच्छी है, मैथ्स भी माथुरिया सर बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, मेरी मैथ्स बहुत कमजोर थी, यहाँ आने के बाद में मुझे मेरी मैथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रही है। और यहाँ की जीके के सर हैं पवन सर, वो भी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। सर अभी यहाँ पर कितने क्लासरूम्स अवेलेबल और उनमें कितने स्टूडेंट होंगे? अभी वर्तमान में यहाँ पर हमारा जो माथुरिया क्लासेस का ऑफिस है उसमें 4 क्लासेस है, और 4 क्लास में जो स्ट्रेंथ है वो लगभग 100 के आसपास ही है। और सर अब जो 2023 में अब जो बैच इंट्रोड्यूस होंगे वो कब कब इंट्रोड्यूस होंगे उनके बारे में कुछ बताएं? वो समय समय के साथ इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे जैसे कोई एग्जाम होता है उस एग्जाम को ओरिएंटेड एग्जाम चल रहा होता है। इसके अलावा जो बच्चा फर्दर चाहता है कि हमें 1 साल बाद कोई एग्जाम दे, उस हिसाब से भी हम कोर्सेज चलाते हैं। तो इसी प्रकार आपको हमारे यूट्यूब चैनल आरजे मोहित पर कोचिंग्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जैसे इस कोचिंग की हमने दी। तो वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिनको कोचिंग की नीड होती है।